अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ मेजरिंग मास। इन एशियंट टाइम्स मास विल बी मेजर्ड बाय पॉट्स, बर्तन होते हैं ना जैसे, उनसे मेजर कर लेते होते थे टू मेजर द ग्रेन्स। और ग्रीक्स और जो रोमन्स थे वो सिंपली बैलेंस यूज़ करते थे, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। तो हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं रीसेंट डेज में जो यूज़ हो रहे हैं वो चार हैं, जिनमें फर्स्ट वन आ जाता है हमारे पास बीम बैलेंस, एंड द सेकंड वन इज़ द फिज़िकल बैलेंस, एंड द थर्ड वन इज़ द लीवर बैलेंस, एंड द फोर्थ वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। हम इन चारों बैलेंस को आज जो है वो डिस्कस करेंगे। हेयर इज़ द फर्स्ट विच इज़ द बीम बैलेंस। इन बीम बैलेंस द अननोन मास इज़ प्लेस्ड इन वन पैन। एक पैन में आप जो है वो अननोन बैलेंस को रख लेते हैं एंड इज़ बैलेंस्ड बाय पुटिंग नॉन मैसेस इन द अदर पैन। और दूसरे में जो है वो हम नॉन मैसेस को रखते हैं, इसमें नॉन होते हैं और इसमें अननोन सपोज, तो फिर हम दोनों को बैलेंस करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 kg का मैस रख दिया जाए, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे कोई शुगर को सपोज़ मेजर करना है तो वो 1 kg के इक्वल हो जाएगी जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं बीम बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस हमारे पास बेसिकली थोड़ा थोड़ा बीम बैलेंस के साथ मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये मच एक्यूरेट है और ये लेबॉरेटरीज़ में यूज़ होता है। द फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन लेबॉरेटरीज़ टू मेजर द मास ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाई कंपेरिजन। हम इसमें कंपेरिजन से मेजर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम यहाँ पर भी कंपेयर कर रहे थे इस 1 kg को इसके साथ, तो यहाँ पर भी हम कंपेरिजन से मास को मेजर करते हैं। लेबॉरेटरीज में इसको यूज़ किया जाता है। फिज़िकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ ए बीम। इसमें एक बीम होती है, दिस इज़ द बीम, ठीक है, ये वाली यहाँ पर ये बीम होती है रेस्टिंग एट इट सेंटर, जो कि सेंटर में जो है वो हमारे पास प्लेस की गई है। द बीम कैरीज द स्केल पैंस ओवर द हुक्स। ये स्केल पैंस हैं हमारे पास, ठीक है, ये वाला स्केल पैन ओवर द हुक्स, हुक्स यहाँ पर हैं, ठीक है, और वो कह रहा है ऑन द ईदर साइड, इसकी दोनों साइड्स पर। अननोन मास, अब हमने क्या करना है, अब हमने अननोन मास को फाइंड आउट करना है। अननोन मास इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, लेफ्ट पैन में रखा जाता है। सम सूटेबल मैसेज कैन बी फाउंड दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट ज़ीरो। फिर उसके बाद हम एक पैन में क्या करेंगे, अननोन मैसेज रखेंगे, एक में नॉन रखेंगे, और जब तक ये हमारे पास ज़ीरो पर नहीं आ जाता तब तक क्या है, इसको ज़ीरो पे आना चाहिए, फिर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो हम मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं अदर पैन में रख के, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है लीवर बैलेंस। अ लीवर बैलेंस इज़ कंसिस्ट ऑफ लीवर्स, सिस्टम ऑफ लीवर्स होते हैं लीवर बैलेंस में। व्हेन लीवर इज़ लिफ्टेड, जब हम लीवर को लिफ्ट करते हैं प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन में रखने के बाद, द स्टैंडर्ड मैस ऑन द अदर पैन, और दूसरे पैन में हमारे पास स्टैंडर्ड मैस आ जाता है। द पॉइंटर ऑफ द लीवर, और जो हमारे पास पॉइंटर है सिस्टम को वो मूव करता है। द पॉइंटर ऑफ लीवर्स ऑफ द सिस्टम मूव्स, जो लीवर्स ऑफ सिस्टम का पॉइंटर होगा वो हमारे पास मूव करेगा। तो पॉइंटर इज़ ब्रॉड टू ज़ीरो बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड मास। हम स्टैंडर्ड मास को वेरी करके ज़ीरो पे लाएंगे तो तब दोनों हमारे पास दोनों पैन में जो मैसेज है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जिसमें हमारे पास लीवर यूज़ होता है वो लीवर बैलेंस होता है। बस आपको इसके बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास मोस्ट प्रिसाइज, यानी कि सबसे बेस्ट वन है, और आजकल जो है यही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वो बता रहा है इट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास, सबसे बेस्ट ये है। इसको इसकी वर्किंग क्या है, बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ बॉडी इट इज़ स्विच्ड ऑन, इसको ऑन किया जाता है सबसे पहले, एंड इट्स रीडिंग इज़ सेट टू ज़ीरो। यानी सबसे पहले आपने अपने बैलेंस को ऑन किया, ऑन करने के बाद उसको ज़ीरो पे आपने सेट किया। अब क्या करेंगे, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, जिसको हमने मेजर करना है, जिसका हमने वेट करना है, उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। जो भी रीडिंग आएगी हमारे पास वो क्या होगी, वो उसकी वो वैल्यू होगी, वो मेजरमेंट होगी। आप लोगों ने जनरली भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को देखा होगा
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड इन स्वीट्स एंड ग्रॉसरी शॉप्स, या आपके पास मिठाई की दुकानों में या फिर ग्रॉसरी शॉप्स पे नज़र आता है। दे आर ईजी टू हैंडल, और इसको हैंडल करना ईजी है। और इसको जो है वो मैं आपको सबसे पहले बता रही थी, ये सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये चार आपके पास बैलेंसेज हैं, इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें वो आपके पास है फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मोस्टली इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है आपसे, या फिर डेफिनेशन आती है। ये दोनों आप लोगों से MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आता है और फिजिकल बैलेंस आता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक है वो है स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच बेसिकली क्या होती है? ये हमारे पास यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट का टाइम मेजर करने के लिए हम स्टॉपवॉच को यूज़ करते हैं। और हम करते क्या है, हमारे पास एक बटन होता है, उसको हम क्लिक करते हैं, टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब हम अपना इवेंट कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद हम इसको दोबारा से प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नोटेड टाइम आ जाता है। हमारे पास दो टाइप्स की स्टॉपवॉच होती हैं, एक है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच और दूसरी होती है हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच क्या होती है? इट मेजर द टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड्स। ये 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल मेजर करती है, जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच 0.001 सेकेंड को मेजर करती है। और ये आपके पास यूज़ होती है एज ए स्टार्ट स्टॉप एंड रेस्ट बटन के तौर पे, और ये हमारे पास जो है वो कॉमनली लेबॉरेटरीज में यूज़ होती है। फिर आपके पास आ जाता है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास टोटली जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन ही MCQ आता है मोस्टली ऑल पेपर्स में, 22 बहावलपुर के पेपर्स में आपके पास आया हुआ है कि मेजरिंग सिलेंडर किस लिए यूज़ होता है, या फिर हम किसी सब्सटेंस को, किसी लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस के वॉल्यूम को कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं इसको आपके आपके साथ एज अ शॉर्ट डिस्कस कर रही हूँ। ए मेजरिंग सिलेंडर इज़ ए ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। ये आपके पास ग्लास का या प्लास्टिक का सिलेंडर होता है। इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, किसी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, और पाउडर सब्सटेंस या फिर कोई पाउडर सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर शेप्ड सॉलिड इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड। यानी कि कोई आपके पास सॉलिड इस तरह का जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता या किसी लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है, उस इरेगुलर शेप के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि मेजरिंग सिलेंडर किन किन ऑब्जेक्ट्स को हमारे पास मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपके पास आज जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे आपके पास एज अ शॉर्ट पेपर में डिस्कस किए जाते हैं, और एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट टोटल जितने भी क्वेश्चंस हुए इस पूरे चैप्टर्स में से वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ओनली वन टॉपिक इज़ लेफ्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई विल डिस्कस नेक्स्ट, एंड दिस इज़ द लॉन्ग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डोंट मिस इट। थैंक यू।